ये बस एक आ रही है, हो सकता है ये शायद जा रही है, पूछते हैं इससे। हावड़ा रेलवे स्टेशन। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है वापस से आपका एक और नई वीडियो में। गाइज आप पीछे देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूँ कोलकाता रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने और मैं अभी जा रहा हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो गाइज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हावड़ा रेलवे स्टेशन जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं तो कितना एक्सपेंस लगता है, मतलब चीपेस्ट वे में आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो गाइज आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आपको इस वीडियो में पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप पहुँच सकते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो गाइज सबसे पहले आप नज़ारा देखिए, ये है कुछ कोलकाता रेलवे स्टेशन का लुक। और अभी हम लोग चलते हैं टैक्सी के पास। तो गाइज मैं बैठ चुका हूँ टैक्सी के अंदर। जैसे ही आप कोलकाता रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आप देखिए सामने आपको दिख रहा होगा कोलकाता रेलवे स्टेशन, वहीं से आपको एक ऑटो मिलेगा। यहाँ से आप जा सकते हैं शाम बाजार, जो कि आपसे 30 रुपये लेंगे और 30 रुपये देके आप शाम बाजार मोड़ पर उतरेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगी एक लोकल बस जो कि बहुत ही चीपेस्ट रेट में आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुँचा सकती है। तो चलते हैं इस जर्नी में आगे और आपको दिखाते हैं कहाँ से बस मिलती है और कैसे आप जा सकते हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन। ये यहाँ पे बहुत सारे ऑटो ऐसे ही खड़े रहते हैं, किसी भी ऑटो में आप बैठ के जा सकते हैं। 30 रुपये किराया है यहाँ से शाम बाजार मोड़ तक के लिए। किराया पिछली बार से बढ़ गया है क्या? एक साल पहले मैं आया था 20 रुपये लगे थे यहाँ से शाम बाजार मोड़। एक साल नहीं, थोड़ा और ज़्यादा बोल दीजिए। नहीं, एक साल पहले की बात है। कोरोना का पहले 20 रुपये था। कोरोना से पहले 20 रुपये था। कोरोना के बाद हर चीज़ का दाम बढ़ गया। आप प्रक्रिय है, आप तो यूट्यूबर है, आपको समझना पड़ेगा। तो गाइज मैं आ चुका हूँ श्याम बाजार मोड़। आप देखिए सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत बड़ी सी स्टैचू है और कितना प्यारा सा ये है एक चौराहा जिसका नाम है श्याम बाजार। टैक्सी वाले को 30 रुपये देने पड़े, काफ़ी कम दूरी के लिए 30 रुपये थे, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो कि सब लोग मांग रहे थे 30 रुपये। आप सबसे पहले ये देखिए, मतलब ये है चौराहा श्याम बाजार का, श्याम बाजार मोड़ बोलते हैं बेसिकली इसे। काफ़ी बड़ा सा बेसिकली चौराहा है और सामने से हमें यहीं पर बस मिलेगी जो कि जाएगी हमारे हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो गाइस आप सामने देखिए, ये बस एक आ रही है, हो सकता है ये शायद जा रही है, पूछते हैं इससे। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ लोकल बस में जो कि हमें हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुँचाएगी। और आप सामने देखिए, इस तरह के कुछ रोड हैं कोलकाता में, काफ़ी ज़्यादा पुरानी सिटी है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब पीछे हमने देखा होगा बहुत सारी ट्रैम की लाइनें हैं जो लगी हुई हैं। इस रूट पे पहले ट्रैम भी चला करती थी, अगर फिलहाल वो अभी चलती तो हम लोग उससे जाते, लेकिन अभी तो नहीं चलती है। लेकिन आप रोड देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक भी है, काफ़ी ज़्यादा ही था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें यहाँ तक जाने में। तो आप बने रहिए वीडियो को एंड तक, मैं लेके चलता हूँ आगे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है कि अगर आप आते हैं कोलकाता और आप जाते हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन टू हावड़ा रेलवे स्टेशन। ऐसी कुछ बस चलती हैं कोलकाता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। आप देखिए इन्हीं बसों में आप बहुत ही चीपेस्ट रेट में ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी श्याम बाजार मोड़ से जा रहे हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन तक, वहाँ तक 15 रुपीज़ ओनली दे के हम लोग जा सकते हैं।
गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं हावड़ा रेलवे स्टेशन। आप मेरे पीछे देखिए, यही है हावड़ा रेलवे स्टेशन। और आपने देखा होगा कितने आसानी से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके हम लोग पहुंच सकते हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन से हावड़ा रेलवे स्टेशन। अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक करते हैं तो वो आपसे 300 से 400 रुपए चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब हम लोग ऑटो से आए थे 30 रुपीज़ हमने उसे पे किए और 15 रुपीज़ इसे किए, यानी टोटल 45 रुपीज़ में हम लोग कोलकाता रेलवे स्टेशन से हावड़ा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। तो गाइज आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर से करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए और चीपेस्ट रेट में वो कोलकाता रेलवे स्टेशन से हावड़ा रेलवे स्टेशन आ पाएँ। तो गाइज पीछे ही है हावड़ा रेलवे स्टेशन और यहाँ से इसका एंट्री गेट है जहाँ से आप अंडरग्राउंड शो के अंदर जाएंगे और टिकट परचेस कर सकते हैं और आप जा सकते हैं जहाँ पे भी आपको जाना है। तो गाइज इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।